शीतला माता मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ी। आज के दिन महिलाएं शीतला माता के उपवास रखती हैं, वहीं माता की पूजा अर्चना भी करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं, अर्थात शीतला माता को एक दिन का बासी यानी शीतल भोग लगाया जाता है। इसीलिए लोक में यह व्रत बसोड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है। भोग के लिए मेवे, मिठाई, पुआपुरी, दाल, भात, लपसी आदि एक दिन पहले से ही बना लिए जाते हैं। जिस दिन यह व्रत रहता है उस दिन चूल्हा नहीं चलाया जाता। इस व्रत में रसोई घर की दीवार पर 5 उंगलियां घी में डुबोकर छापे लगाए जाते हैं। उस पर रोली चावल चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध पुष्पादि से शीतला माता का पूजन कर शीतला स्त्रोत का यथासंभव पाठ करना चाहिए तथा शीतला माता की कहानी भी सुननी चाहिए। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए। एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल कर गिलास, रोली, चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूप बत्ती तथा मोट बाजरा आदि रखकर घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर शीतला माता के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इस दिन चौराहे पर भी जल चढ़ाकर पूजन करने का विधान है। इसके बाद मोट बाजरा का वायना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सास जी के चरण स्पर्श कर उन्हें देने की प्रथा है। इसके बाद किसी वृद्धा को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी का त्योहार है ये। होलिका के बाद में 7 दिन मनाया जाता है और इसमें सारा ठंडा खाना एक दिन पहले बनाया जाता है रात को, और वो ठंडा खाने इसके बाद में का माता जी को चढ़ाने आते हैं क्या? माता जी को चढ़ाने आते हैं, सब लोग सारी पूजा करती, माता जी के ठंडे नैवेद्य से पूजा करती है और ठंडा ठंडा ही सब कुछ हम लोगों को खाना रहता है। क्या नाम है आपका?